गुड इवनिंग एवरीवन. आज जो हम जो टॉपिक ले रहे हैं दैट इज हाइपोमेनोरिया. ठीक है. सो इन द कंटिन्यूशन ऑफ द आर्थव्यापद टुडेज डिस्कशन टॉपिक इज हाइपोमेनोरिया. तो देखिए यहाँ पर जो हाइपो है, जो हाइपो जो वर्ड है इट मीन्स स्कैंटी. ठीक है, मीन्स द स्कैंटीमेंसिस. तो इसका हम डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो मेंसेस वो कैसे रहता है, स्केंटी मतलब बहुत ही कम रहता है. ठीक है, तो इसके अंदर डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट्स ओनली फोर 1 to 2 days देन इट इज कॉल्ड हाइपोमेनोरिया. ठीक है, मतलब हाइपोमेनोरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ओनली 1 या 2 दिन के लिए ही रिमेन्स मतलब आती है वो. ठीक है, रहती है जो उसका ड्यूरेशन. ठीक है, तो इसके अंदर एक और बात है कि जो इंटरवल है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो नॉर्मल रहता है. ठीक है, इंटरवल जो है वो नॉर्मल रहेगा 28 days और 21 to 35 days. ठीक है, लेकिन जो ड्यूरेशन ऑफ जो फ्लो है, ड्यूरेशन ऑफ फ्लो वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है. और जो अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है. समझ भाई, मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल का जो इंटरवल है वो तो नॉर्मल ही रहता है, लेकिन जो ड्यूरेशन ऑफ फ्लो है वो कम हो जाता है और जो ब्लड लॉस है वो कम हो जाता है. तो ड्यूरेशन ऑफ जो फ्लो है वो कितना रहता है, ओनली 1 to 2 days. तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपोमेनोरिया. ठीक है बच्चे, अब उसके बाद में है इसके कॉजेस. तो देखो कॉजेस के जो सबसे जो पहला कॉज है दैट इज हार्मोनल इंबैलेंस. तो हार्मोनल इंबैलेंस और इसमें भी जो सबसे जो मेन है हार्मोन्स में दैट इज थायरॉयड. तो बिकॉज ऑफ द थायरॉयड इंबैलेंस क्या हो सकता है आपको, हाइपोमेनोरिया. जो सेकंड जो कारण है दैट इज ओसीपीज. सो ओसीपीज इज द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. तो मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था ओसीपीज क्या होती है, ये हार्मोनल बेस्ड पिल्स होती है, छोटी छोटी टैबलेट्स आप बोल सकते हैं इनको. ठीक है, तो इट कंटेन्स इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन्स और समटाइम्स ओनली प्रोजेस्टेरोन्स. तो बिकॉज ऑफ यूजिंग ऑफ दिस ओसीपीज क्या हो सकता है, हाइपोमेनोरिया. ठीक है, जो थर्ड जो है कारण दैट इज पीसीओडी और पीसीओएस, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम. तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये फैलोपियन ट्यूब है और ये क्या आपकी ओवरीज है. इस ओवरी में छोटी-छोटी बहुत सारी सिस्ट हो जाती है, उस कंडीशंस को क्या बोलते हैं, पीसीओडी और पीसीओएस. तो इसके अंदर जो आपके हार्मोन्स है वो इंबैलेंस हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपोमेनोरिया. ठीक है, जो नेक्स्ट जो कंडीशन है दैट इज एस्टरमैन सिंड्रोम. देखो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एक कॉज है. एस्टरमैन सिंड्रोम्स क्या होता है कि जो अपनी यूट्राइन जो कैविटी है, सपोज करो ये यूट्राइन कैविटी है, इस यूट्राइन कैविटी के अंदर बहुत सारे एडेसेंस हो जाते हैं. एडेसेंस, एडेसेंस का मतलब क्या होता है, बहुत सारे स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है और आपस में सब जो अंदर की जो चीजें वो क्या हो जाती है, स्कार टिश्यूज की वजह से चिपक जाती है, एक तरीके से उलझ जाती है वो चीजें. तो ये है एडेसेंस. तो ये किस वजह से होता है कि या तो कोई सर्जरी हुई हो पहले यूट्राइन कैविटी में, जैसे हम डीएनसीज करते हैं, या कोई और सर्जरीज हुई है, या हम जनरली ट्यूबरक्लोसिस का जो ट्रीटमेंट करते हैं उसके बाद में. तो पोस्ट सर्जरी मतलब कंडीशन है ये, या कोई जो इन्फेक्शन है उसके बाद में जो यूट्राइन कैविटी उसमें बहुत सारे एडेशंस मतलब स्कार टिश्यूज आ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हाइपोमेनोरिया. ठीक है, जो फिफ्थ जो कंडीशन है दैट इज माल न्यूट्रिशन. मतलब बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन की वजह से भी क्या हो सकता है, हाइपोमेनोरिया. और जो सिक्स्थ जो है दैट इज हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया. मतलब जो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है ब्लड में उसका जो है लेवल वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है. और जो एक लास्ट जो कोज है सेवंथ दैट इज
स्मॉल हाइपोप्लास्टिक यूट्रस, ठीक है, हाइपोप्लास्टिक यूट्रस। तो इसमें क्या होता है, इसको इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हैं यूट्राइन हाइपोप्लेसिया, मतलब ये एक कंजेनाइटल एक डिसऑर्डर होता है कि इसके अंदर जो यूट्रस है वो कैसा रहता है, स्मॉल साइज रहता है, ठीक है। तो इन सात कंडीशंस या इन सात कारण की वजह से क्या हो सकता है, हाइपोमेनोरिया, मतलब स्कैंटीमेंसिस हो सकते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट में इसमें क्या आएगा, सबसे जो पहले है जो सॉरी ट्रीटमेंट से पहले इसमें देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में एक तो सबसे जो क्लिनिकल फीचर्स है वो ये जो मैं बार बार बोल रही हूं, स्कैंटीमेंसिस। स्कैंटीमेंसिस मतलब ओनली रिक्वायर्ड टू चेंज 1 to 2 सैनिटरी पैड इन होल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, एक से दो ही सैनिटरी पैड चेंज करने की नीड लगती है। दूसरा जो है दैट इज डिसकंफर्टनेस, डिसकंफर्टनेस फील होना, ये है इसके क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में बहुत ही है जो मैंने अभी बताया था, जो कोज है, जो ट्रीटमेंट इज डिपेंड ऑन द कोज, ठीक है, डिपेंड ऑन कोज। और जो सेकंड जो है दैट इज न्यूट्रिशियस डाइट, मैंने अभी आपको बताया था बिकॉज माल न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द कोज, तो माल न्यूट्रिशन है तो आपको क्या देना पड़ेगा, न्यूट्रिशियस डाइट देनी पड़ेगी, ठीक है, एंड एश्योरेंस टू पेशेंट। सो दीज आर द कॉजेस एंड क्लिनिकल फीचर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोमेनोरिया, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।